पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइफ का खास कार्यक्रम भीतर की बात देख रहे हैं आप। आज हम भीतर की बात पे चर्चा करेंगे, आखिरकार मोदी के सामने क्यों नहीं चला लालू का मैजिक, साथ में एजेंडा, और कहां फंस गए तेजस्वी यादव। अभी तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे, कहीं वॉक ऑफ ना कर जाए, सब कुछ जानिए। बाबा से सीधे जुड़ते हैं सर, आखिरकार क्यों नहीं चल रहा है लालू का मैजिक मोदी के सामने। देखिए, पूरी तरह से जो बिहार की राजनीति है और जो चुनावी 2024 की राजनीति चल रही है, जिस तरह से देश भर में एक एजेंडा सेट किया गया है कि 400 के पार जाएंगे जी। इंडिया आपको देखिए एकदम एकजुट नजर आ रहा हो, अगर कोई साथ में नहीं भी है तो वो उस पर किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, कोई टॉन्टिंग नहीं कर रहा है। लेकिन यही इसके जस्ट विपरीत, भले ही अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से रखे हुए हो, लेकिन महागठबंधन में वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दो बड़े घटक दल हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बन रहा है। लालू प्रसाद ने कहा, यह जाता है कि अब तक पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से बिहार की राजनीति को डोमिनेट किया है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद पूरे अपने परवान पर थे, तब से लेकर के अब तक लालू प्रसाद जीत में और हार में दोनों में उनकी भूमिका रही है। इस चुनाव में भी अचानक से उनकी भूमिका शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि 2019 का चुनाव हो या फिर 2020 का चुनाव, लालू प्रसाद का इन्फ्लुएंस कम था, लेकिन इस चुनाव में कहा यह जा रहा था कि स्ट्रेटजी सारी लालू प्रसाद की है। तेजस्वी यादव के मुंह पर टेप चिपका करके उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेटजी हम बनाए हैं उसी पर आप चलिए और कैसे लड़ाई लड़ी जाती है ये आप सीख लीजिए। तो दो बातें इस बार हो रही है। पहली तो ये कि तेजस्वी यादव एक नया गुण और सीख रहे हैं जी। क्योंकि दो चुनाव में उन्होंने मात खाई है, एक में शून्य पर गए हैं और दूसरे चुनाव में उन्होंने सत्ता तक पहुंचते पहुंचते रह गए हैं अपने स्ट्रेटजी के तहत। इस बार आपने देखा होगा कि लास्ट में जो पिछली बार गलतियां हुई थी, उस गलती को इस बार दोहराया गया, वो कम किया गया, यानी उस गलती को नहीं किया गया है। वो गलती थी कि अपने साथियों को बाहर किया जा रहा था जी। आपने देखा 2020 में 3-3 दल बाहर हो गए, जीतन राम मांझी बाहर हुए, मुकेश सहनी लास्ट में बाहर हुए, उपेंद्र कुशवाहा से बाहर हुए, इसका घाटा झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार कोई बाहर न जाए, नीतीश कुमार बाहर चले गए, उनको भी रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद नीतीश कुमार की कमी कैसे पूरी की जाए उसके लिए लगातार मंत्रणा होती रही। 40 सीटों में से आपने देखा कि 26, 9 और 5 का समीकरण तय किया गया। याद होगा कि जब 26 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पास रखा था, तब से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई एजेंडा है। एजेंडा तो बात पता चल गया, एजेंडा एक था कि जो दल जैसे पशुपति कुमार पारस हो, मुकेश सहनी हो, जो एनडीए में नहीं है वो इंडिया गठबंधन में आ जाए जी। एक दल तो शामिल हो गए। पशुपति कुमार पारस ये बार बार कह रहे हैं कि वो अभी भी एनडीए का हिस्सा है जी। लेकिन जिस तरह का हम चर्चा कर रहे हैं, नवादा में रैली हुई जी। उससे पहले उन्होंने जब जमुई की रैली हुई थी उसके बाद घोषणा किया था, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखा है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछने जाइए तो सवाल का जवाब उनके पास नहीं है जी। आपको याद होगा कि मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को आगे की राजनीति को या किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि उनके मन में भी कोई ना कोई सवाल चल रहा है। तो सर, क्या पशुपति पारस अब महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, सियासत में कुछ भी संभव है। जब 2 चरण के नामांकन समाप्त होने के बाद चुनाव परवान पर है तब आप मुकेश सहनी को देख सकते हैं, तो हो सकता है कि तीसरे चरण के चुनाव नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो तो पशुपति कुमार पारस भी आ जाए जी। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में वो है, लेकिन आज के मंच पर नहीं जाने से एक संशय की स्थिति पैदा हो गई जी। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस स्ट्रेटजी के तहत कल तो बहुत तेजी दिखाई दी, जिस तरह से जमुई के मंच पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दहाड़ना शुरू किए, उससे लगने लगा कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक कटघरे में, एक दायरे में सीमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के आते ही वो सारा दायरा जो है टूट गया जी। सारे भ्रम जो है टूट गए और सारे सवालों का जवाब एक बात से प्रधानमंत्री ने दे दिया कि लोग कहते थे कि झोपड़ी में है राम, आज श्री राम से भव्य कोई मंदिर ही नहीं है जी। 500 सालों का, 450 सालों का
ये जो दर्द था सनातन धर्म के लोगों का, वो दर्द दूर हुआ है। सीधा सा मतलब है कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, उसके उद्घाटन को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी उनकी काम करने लगी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नवादा के मंच से जो बातें हुई, और नवादा के मंच पर उनके बोलने के बाद जो तेजस्वी यादव ने वाल्मीकि नगर जाकर के बोला, वो दोनों बात को आप मिलाइएगा तो कल में और आज में काफी चेंजेस था। इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने जो एजेंडा सेट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को घेर लेंगे, नीतीश कुमार तो और ज्यादा वोकल हो गए हैं। लोग 400 सीट कहते हैं, 4000 सीट दिलवा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तो खैर ये तो स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक, और हो सकता है कि बोलने के क्रम में आदमी से हो जाता है, लेकिन जिस तरह की बात नजर आ रही है, मीसा भारती ने मोदी के यात्रा बिहार का जो बार बार हो रहा है उस पर कहा है कि कितना भी यात्रा कर लें इस बार विदाई तय है, विदाई तय है जी। दो बार चुनाव लड़ी हैं, दो बार हारी हैं जी। किस आधार पर वो कह रही हैं, क्या उनके पास एजेंडा है? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम को भी बुला करके वो अपने एजेंडा को बताए कि किस एजेंडा के तहत वो नरेंद्र मोदी को बिहार से बाहर करेंगे। लेकिन सर इन सारी चीज़ों के बीच हमको ये देखने को मिल रहा है, चाहे बात करें हम सम्राट चौधरी की या मुकेश सहनी की या चिराग पासवान की, तेजस्वी की भी कहीं ना कहीं, और लालू प्रसाद यादव की भी, सब लोग रिएक्शन देने से पीछे नहीं हट रहे। जब तेजस्वी बोलते हैं तो सम्राट भी बोलते हैं, और तीखे सवालों का तीखा जवाब मिलता है। देखिए ये तो चुनाव है, इसमें तो चल ही रहा है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी बहुत वोकल हैं जी, और यही उनका विशेष गुण जो है उनको प्रदेश का अध्यक्ष और बिहार का उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर सुशोभित किए हुए हैं जी। इतने वोकल हैं वो, और उनकी मैंने तो कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि सम्राट चौधरी के पास जो शब्दों का कलेक्शन है जी, हो सकता है कि शब्दों में थोड़ी कटुता जरूर हो, लेकिन जितना वो तथ्यों को सामने रखते हैं मुझे नहीं लगता कि उतना तथ्य किसी के पास है और उतना तथ्यों पर लोग बात करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने जमीनी राजनीति से शुरुआत की है और उनका एक एक दिन का बिताया हुआ राजनीतिक जो यात्रा है उसको याद रखे हुए हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब उनके पास रहता है। खैर इन सारी बातों के साथ साथ आप देख लीजिएगा कि एक परिवारवाद की बात चल रही है तो दूसरी तरफ मोदी का परिवार चल रहा है, यानी परिवारवाद इस चुनाव में हावी हो गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है इस बार पूरी तरह से बिहार का विकास, हमें एक साल जो मौका मिल रहा है यानी लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जो एक साल विधानसभा चुनाव होने का समय लगभग है जी, उस समय में हम बिहार में वो सारी चीजें सारी फैसिलिटीज डबल इंजन की सरकार के तहत दे देंगे, जिसकी हमने अब तक सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई है, जो अधूरे हैं उसको भी पूरा कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे। आप बार बार देख रहे होंगे 2005 से पहले की सरकार जी और 2014 से पहले के सरकार की चिंता हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ कटघरे में जहां कांग्रेस है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल पर हमला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। इस पूरी स्ट्रेटजी में आपको एक चीज तो नजर आया होगा कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में। जो लिस्ट आपने देखा होगा कि दो चरणों के चुनाव की लगभग प्रक्रिया सारी पूरी हो गई है, अब सिर्फ उसमें आपको पता है कि वोटिंग होना है, जिसमें हमारे पास जो लिस्ट है उसमें दो चरणों में तो आपको नजर आ रहा है कि लड़ाई सीधी सीधी हो रही है, एक जगह त्रिकोणीय भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद अब समझिए कि नामांकन का अंतिम तारीख 19 अप्रैल है, 11-12 दिन बचे हुए हैं और इसमें अब तक तीसरे चरण के उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं हुई है इंडिया गठबंधन से। संभावित का नाम चल रहा है, इसमें सीपीएम ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन बाकी आप समझिए कि झंझारपुर में जहां 7 मई को चुनाव होना है, 19 अप्रैल को उनका उसका लास्ट डेट है नामांकन का, रामप्रीत मंडल है, यहां पर जिन जिन लोगों को लड़ना है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं कर पाए। जब तीसरे चरण का ही नहीं हुआ है तो चौथे पांचवें छठवें सातवें चरण की बात क्या करें हम। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और यही कारण है कि हम बार बार मजबूर हो रहे हैं इस बात को कहने के लिए कि क्या कांग्रेस ने हथियार डाल दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्या लालू प्रसाद जी से स्ट्रेटजी के तहत चल रहे थे वो स्ट्रेटजी समाप्त हो गई है, क्योंकि न तो राष्ट्रीय जनता दल, न ही कांग्रेस और न ही VIP अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, सिर्फ संभावित पर काम चल रहा है। और दो चरण के पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब
वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है, बाकी के बचे हुए 5 चरण के चुनाव हैं और अभी तक नाम अनाउंस नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है या फिर डर हो सकता है। अब कौन डर रहा है, मीसा भारती तो कह रही हैं कि मोदी डर रहे हैं जिसके कारण वो बार बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का कहना है कि इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। यही कारण है कि हो सकता है कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे। कल ही मैंने देखा कि लगातार कैंपेन जो चल रहा था उसके बाद रणवीर नंदन से आपने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने तो साफ कह दिया था कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदवार नहीं उतारे, यानी वॉक ओवर दे दें। तो ये परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी बनाया था लालू प्रसाद ने, वो स्ट्रेटजी काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है और कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं और कांग्रेस ने भी नहीं किए हैं, देखना है कि कब तक ये सिलसिला चलता है, लुका छिपी का खेल चलता है और इस खेल में कौन किसको आइडेंटिफाई कर लेता है, खोज लेता है। तो देखिए, जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हो चुका है लेकिन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं हुई है, इस बार लालू प्रसाद यादव ने चुनावी कमान अपने हाथ में रखा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है। अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और ये बात साबित हो रही है या फिर हम मजबूर हो कि बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ एनडीए ने अपने सारे प्रत्याशियों की सूची दे दी है, सारे लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। अब तीसरे चरण का नामांकन होने वाला है लेकिन अभी तक लोगों का, बोल सकते हैं प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की जो एजेंडा है और जो उन्होंने प्लान बनाया है क्या वो कारगर साबित होता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।